महत्वना समाचार करीशुं तेना उपर नजर। जे समाचार हालमां सामे आवी रह्या छे, राज्यमां आजथी बे दिवस माटे कोरोनाने लईने मॉक ड्रिलनुं आयोजन ज्यारे करवामां आव्युं छे कोरोनाना केसने लईने, त्यारे अमदावादनी कोर्पोरेशन संचालित होस्पिटलमां पण मॉक ड्रिल योजाशे। देश सहित गुजरातनी अनेक होस्पिटलोनी अंदर सिविल होस्पिटल, एसवीपी, एलजी होस्पिटल में मॉक ड्रिल नो आयोजन करवामां आव्युं छे। ज्यारे सूचना आपी देवामां आवी हती त्यारे केटलू होस्पिटल तंत्र सज्ज छे तेना उपर ध्यान केन्द्रित करवामां आवशे। वधता जता कोरोनाना केसने लईने होस्पिटल में मॉक ड्रिल नो आयोजन, ज्यारे केस वधे छे त्यारे तंत्रनी कामगीरी अंगे तंत्र केटलू सज्ज छे आ परिस्थितिने पहोंची वळवा माटे तेनी चकासणी पण करवामां आवशे। आजथी बे दिवस माटे एटले के सोमवार अने मंगळवारना दिवसे आरोग्यमंत्री एम्स जज्जरमां तैयारीनुं निरीक्षण करशे। बीजी तरफ गुजरातनी अंदर अमदावादनी कोर्पोरेशन संचालित होस्पिटलो छे तेनी अंदर मॉक ड्रिलनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। उत्तरोत्तर वधता जता केस के जाणे चिंता वधारी छे। देशभरमां वधता कोरोना केसने लईने सरकार सतर्क बनी छे अने आजे गुजरात सहित देशभरनी होस्पिटलमां कोरोनाने लईने मॉक ड्रिलनुं आयोजन थयुं छे। आजथी बे दिवस माटे देशभरनी होस्पिटलोमां मॉक ड्रिल आयोजित थई छे, जेमां राज्य सरकारो द्वारा होस्पिटलोमां कोरोना सामे पहोंची वळवानी शुं सुविधा छे तेनी चकासणी करवामां आवशे। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हरियाणाना झाज्जरनी एम्स होस्पिटलनी मुलाकाते छे। स्वास्थ्य प्रधाने राज्यना स्वास्थ्य मंत्रीओनी साथे कोरोनाने लईने समीक्षा बैठक योजी हती। ते समये तेमणे राज्यनी होस्पिटलोमां मॉक ड्रिलनी सूचना आपी हती। तो गुजरातमां आगामी 5 वर्षमां ग्रांटेड शाळा बंध थाय तेवी चिंता स्कूल संचालकोमां जोवा मळी रही छे अने ग्रांटेड स्कूलोने ज्ञान सेतु स्कूलमां फेरबदल करवानी मांग छे। राज्यमां आगामी शैक्षणिक सत्रमां ज्ञान सेतु डे स्कूल, ज्ञान सेतु निवासी शाळा, ज्ञान शक्ति स्कूल अने रक्षा शक्ति स्कूलो शुरू थवानी छे। आ स्कूलो शुरू थवाथी राज्यनी ग्रांटेड पर चालती स्कूलो बंध थवानो डर छे, તેથી શાળા સંચાલકે શિક્ષણ મંત્રી સમક્ષ માંગ કરી છે કે ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલોને જ્ઞાન સેતુ સ્કૂલ ફેરબદલી કરી નાખાય। રાજ્યમાં જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલ, જ્ઞાન સેતુ નિવાસી શાળા, જ્ઞાન શક્તિ સ્કૂલ અને રક્ષા શક્તિ સ્કૂલોમાં અંદાજીત 1 લાખથી વધુ બાળકો આ શાળાઓમાં પ્રવેશ લેશે, તો બીજી તરફ પ્રાથમિક સરકારી શાળાઓ અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની 1 લાખ કરતાં વધુ ઘટ જોવા મળશે। જો આ વિદ્યાર્થીઓની ઘટ પડશે તો ગ્રાન્ટેડ શાળાના વર્ગખંડની સંખ્યામાં પણ મોટો ઘટાડો થશે।